प्रभु शिव शंकर भोलेनाथ जय हो। माँ जी, बजरंग बली का प्रसाद लाए। साखर, अच्छा किया तुम जल्दी आ गए। अब हम लोग सब मिलकर शंभुनाथ जी की आरती करेंगे। जी। अब बुआ जी, सब लोग तो आ गए हैं, मगर भाभी कहाँ हैं? अरे हाँ, हमने भी काफी समय से उसे नहीं देखा। अपनी इस मंजिल तक हमें कैसे पहुंचना है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। कहीं अपने कमरे में तो नहीं है वो? मैं देख कर आती हूँ। चली गई है। विद्या तो कहीं नहीं है। बड़ी अजीब सी बात है, भाभी ऐसे बिना बताए कहीं नहीं जाती है, और शाम की आरती वो कभी नहीं छोड़ती। अरे चौक के कुछ काम होगा, फंस गई होगी। इस बात को आप लोग इतना सीरियस क्यों ले रहे हैं? बिल्कुल, चलिए ना। अब उनकी वजह से हम आरती के लिए देर क्यों कर रहे हैं? विद्या नहीं है तो क्या आरती नहीं हो सकती? चलिए आरती शुरू कीजिए आप। बुआ जी, भाभी सबसे अच्छी आरती करती है, थोड़ा उनके लिए इंतजार कर लेते हैं ना। चीनू, विद्या ये खुद जानती है कि आरती का वक्त हो चुका है, फिर भी अगर वो घर पर नहीं है, कहीं बाहर चली गई है, तो हम उसका इंतजार क्यों करें? मुझे तो हैरानी हो रही है, इस वक्त वो कहाँ जा सकती है, वो भी हम में से किसी को बताए बगैर। साकब जी, तुम्हें कुछ बता कर गई है? नहीं दी, और वैसे भी हर काम के लिए वो मुझसे क्यों पूछे? अब और कितना इंतजार करें? हो सकता है विद्या को देर लग रही होगी। चलो हम सब आरती करते हैं। हाँ सिंदूरा, तुम आरती की थाली ले लो। जी। हमें मालूम था कि संध्या की आरती विद्या कभी नहीं छोड़ सकती। चलो आरती शुरू करते हैं। लो विद्या।
ही मन कैसे जल भुन रही हैं आप, ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है संदूरा। विद्या को नीचा दिखाने का मौका नहीं मिला तो कैसे तिलमिला रही हैं आप, मगर अभी तो शुरुआत है बेटा, आगे आगे देखिए। अब इस तिलमिलाहट के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा आपको। तो वो रंग बिरंगी नगरिया का राजा बड़ा ही अच्छा, सारी प्रजा उससे बहुत खुश, सारे लोग खुश, पर उस राजा की एक ही प्रॉब्लम थी, ये जो कठोर बेटा था जाके। हर्ष कॉफी लीजिए ना। हम लेते हैं ना, बस यहाँ रख दो। तो हम क्या कह रहे थे, राजा कहता है फल बांटो, और वो जो राजकुमार है जाके दो दो नींबू पकड़ा था। दामाद जी, मुझे तो शक हो रहा है, मैंने तो कभी हर्ष को छोटे बच्चों को कहानियां सुनाते हुए कभी नहीं देखा। हाँ मम्मा, ये हर्ष पहले वाले हर्ष से बहुत ज्यादा नाइश है। मैं तो कहती हूँ अगर ये फ्रॉड भी है तो भी इसे यहीं रख लेते। बिल्कुल ऐसे, राजकुमार को देख कर लड़की बिल्कुल ऐसे ही चिल्लाई। हर्ष, वो सर में बहुत दर्द हो रहा है, चलो चलकर आराम करते हैं। चलिए ना। तुम जाओ, जरा आराम करो, हम बस आ रहे। चिनु बेटा, हर्ष की ये जरूरत कभी नहीं हुई कि वो चंद्रा को मना कर सके। अरे, उसकी हर हुक्म पर तोड़ा चलाता था। हो सकता है नए चेहरे के साथ साथ जरूरत पैदा हो गई हो अपनी पत्नी का सामना करने की। हाँ मम्मा, मैं तो पहले ही कह रही हूँ, दिस हर्ष बेटर। हर्ष, आपको नहीं लगता काफी देर हो गई है? और भारत, तुम्हें भी जाकर सोना है ना, सुबह स्कूल नहीं है। चलिए हर्ष, चलकर सोते। बस ये राजकुमार अब आया ही है, बस आगे की बात कर ले। हर्ष, चलिए चल के सो। गुड नाइट भारत। भारत चलिए। बेटा बेटा कल सुनाएंगे। अच्छा, हमारे पास उरण तक्षरी वाली भी कहानी है, वो भी सुनाएंगे। अब बताइए हमें, अच्छा लग रहा है ना कमरा? बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी ना हर्ष, हमारे इशारों को समझते ही नहीं है। हम कैसे कैसे बहाने बनाकर आपको बुला रहे थे, और आप है कि हमारी बात ही नहीं समझ रहे थे। हम चाहते थे कि हम आपके साथ वक्त गुजारें, और आप है कि बच्चों को कहानियां सुनाने में लगे थे। तो चंद्रमुखी, हमने सोचा कि थोड़ा वक्त बच्चों के साथ भी गुजार लें। नहीं, हम इतने दिनों बाद मिले हैं हर्ष, अब आप सिर्फ हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ वक्त गुजारेंगे। और वैसे भी कितना कम वक्त गुजारा है हमने साथ में। एक्चुअली वो क्या है ना हर्ष, मैं आपको सुबह डॉक्टर के पास ले जाना चाहती थी। डॉक्टर? हाँ, हमारी शादी को काफी देर हो गई है, हमें हमारी फैमिली प्लान कर लेनी चाहिए। आपको क्या बात है हर्ष, हमें ऐसा क्यों लग रहा है हर्ष कि आप हमारे पास आकर खुश नहीं है? नहीं नहीं चंद्रमुखी, कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम तो जानती हो हम वापस आए हैं सिर्फ तुम्हारे लिए। अब चंद्रमुखी, हम जरा तुम्हारे लिए दूध लेकर आता हूँ। हर्ष, हमें हल्दी वाला। हर्ष, दूध पी रहे? हर्ष को तो दूध अच्छा ही नहीं लगता था।
गर्मा गर्म दूध। नहीं हर्ष, हमें नहीं पीना है। अरे दूध तो पीना ही पड़ेगा। अरे देखो हमारी दीदी, ये दूध मत पीजिए आप, इसमें कुछ मिला हुआ है। हमने हर्ष को इसमें अपनी आंखों से कुछ मिलाते देखा, इसे मत पीजिए। क्या बकवास कर रही हो विद्या, क्यों बार बार हर्ष पे इल्जाम लगाने चली आती हो? हाँ विद्या, हम ऐसा क्यों करेंगे? झूठ मत बोलिए आप, अपनी आंखों से हमने आपको कुछ मिलाते हुए देखा है। बस विद्या, अपनी सलाह तब दिया करना जब तुमसे सलाह मांगी जाए। दूसरों के मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दो। हर्ष क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये सब तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं। जाओ यहां से। आप यकीन तो कीजिए हमारी बात पर, हम बस इतना चाहते हैं कि आप ये दूध मत पीजिए। क्यों ना पीऊं मैं दूध? मैं ये दूध पीकर रहूंगी, मुझे तुम्हारी किसी भी बात पे कोई विश्वास नहीं है। दीदी भगवान के लिए दूध मत पीजिए आप। चंद्रा बेटा, विद्या इतनी बार कह रही है तो एक बार इस दूध की जांच करवा लेते हैं हम। जांच? कैसी जांच बुआ जी, क्यों करें हम जांच? आप समझ क्यों नहीं रही बात को? विद्या ये सब जानबूझ के कर रही है, हर्ष के खिलाफ हमारे दिमाग में जहर बनने के लिए। फिर भी आप सबको अगर ये लग रहा है हर्ष गलत है, मैं ये साबित कर दूंगी कि हर्ष गलत नहीं है। दीदी नहीं दूध पीऊंगी। वैसे हर्ष चुप क्यों, तुम भी कुछ कहो ना। वो छोटे ठाकुर, हमने तो कह दिया है कि दूध में कुछ नहीं है, पर ठीक है आपको फिर भी शक है तो हम फेंक देते हैं। नहीं, अगर दूध में वाकई कुछ नहीं है सबसे पहले दूध तुम पियोगे। जी अभी इसी वक्त। चलो पियो। इंतजार क्यों कर रहे हैं बेटे, पी जाइए। हो गई आप सबको तसल्ली? अब क्या आप सब हम दोनों को अकेला छोड़ देंगे? लगता है विद्या से गलती हो गई है, हम सबकी तरफ से माफी मांगते हैं, आपसे भी और दामाद जी से भी। चलिए चलिए विद्या। सुनिए, हम झूठ नहीं कह रहे थे, हमने सच में हर्ष को उस दूध में कुछ मिलाते देखा था। अब पता नहीं कैसे उन्होंने पिया और उन्हें कुछ नहीं हुआ, हमें समझ में नहीं आया, मगर हमने देखा था। विद्या मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा है, पर मैं चंद्र जी को कैसे विश्वास दिलाऊं कि वो जो सोच रही है वो गलत है। आप चंद्रमुखी दीदी की चिंता मत कीजिए,
हम लोग पूरा ख्याल रखेंगे इस बात का कि हर्ष उन्हें जरा भी नुकसान ना पहुंचा पाए। क्या हो गया आपको? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा दर्द है, ठीक हो जाएगा। हम आपके लिए दवाई लाते हैं। नहीं होते आप, मैंने कहा ना ठीक हो जाएगा। तो फिर हम आपका सर दबा देते हैं। अच्छा लगेगा आपको। हम चलते हैं। क्या बात है सागर, तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी? नहीं दी, बस सर में दर्द है, ठीक हो जाएगा। विद्या ने सर दबा दिया तो अब तो ठीक ही होगा। अजीब बात है ना, जिस औरत ने अभी कुछ देर पहले तुम्हारी दी के पति पर इल्जाम लगाया हो, तुम अभी उसे अपने करीब आने की इजाजत दे रहे हो। नहीं दी, विद्या ने कुछ गलत नहीं किया, मुझे भी हर्ष पर शक है। हर्ष पर भरोसा तो मुझे भी नहीं है सागर, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम विद्या की हर बात मान जाए। विद्या ने तो मुझ पर भी कई बेबुनियाद इल्जाम लगाए हैं, कल को तुम वो भी मान लोगे क्या? आप ऐसा क्यों कह रही? भला विद्या हर्ष के बारे में झूठ क्यों बोलेगी? उसने जरूर हर्ष को कुछ मिलाते हुए देखा था। सागर, तुमने उस हाथी और बहुत सारे अंधे आदमी की कहानी सुनी है ना? हर अंधा आदमी हाथी के अलग अलग भाग को हाथ लगाता है और कुछ और ही महसूस करता है। विद्या का भी वही हाल है, देखती कुछ और है और समझ जाती कुछ और है। गवार है बेचारी, अब क्या करे? ऐसी औरत की हर बात पर कैसे विश्वास कर ले? सागर, मैं जानती हूँ वो तुम्हारी पत्नी है, लेकिन मेरी मानो तो उसकी हर बात को इतनी सीरियसली मत लिया करो। मैं नहीं चाहती कि बार बार तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। प्लीज, जब तक विद्या को घर से निकालने का मौका ना मिले, तब तक कम से कम इन दोनों के बीच किसी न किसी तरह दूरी बनी रहे, वरना मुझे पता भी नहीं चलेगा और ये दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाएंगे कि इन्हें दूर करना नामुमकिन हो जाएगा। वैसे माँ, आपको आज चेकअप के लिए जाना है ना? शाम को ठीक रहेगा? माँ, एक्चुअली शाम को मेरे कुछ पेपर्स आ रहे हैं, तो मुझे और दी को तो बाहर रहना पड़ेगा। अगर आप भी बाहर रहेंगी तो वैसे विद्या, तुम तो घर पे हो ना?
तो तुम भी बस ले लेना। बिल्कुल हम ले लेंगे, पर वो कागज कितने बजे आएंगे? 4:30-5। अगर 5 बजे के आसपास आएंगे तो हम नहीं ले पाएंगे वो कागज। क्यों मित्र, 5 बजे तो मैं तुम्हें कहाँ जाना है? तुम जा कहाँ रही हो? कहाँ जा रही है विद्या? जरूर कुछ चल रहा है, मुझे पता करना होगा।